भी घटना हुए तो बिगो जो लिस्ट बन रही है वह लिस्ट अब आज के बाद दोबारा आके नहीं बने। इसके लिए आप कान कॉलर सुन लीजिए। आप आ देखो कि अड़ा कोई बोलबालो को नहीं तो आपकी आप भूल है और माने गुंगा बेरा प्रशासन ने सुनानो भी आवे और जगानो भी आवे दोनों चीज माने अच्छी तरीके आवे। प्रताप सिंह जी का मामला मैंने प्रशासन जत्ता भी बाकी लोग है चाहे वे कताई बड़ा राजनीतिक उला कताई पिछड़ा हुआ बाहू कोई फर्क कौन पड़े। पिछला 20 तारीख की बात है झालावाड़ में भी वो घणो ही बड़ो हो जिला अध्यक्ष भी ने इस्तीफो देना ही पड़े हो और प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफो स्वीकार भी करना पड़े हो तो बाँ के सामने कोई बाहू बड़ा कोई कोनी तो आपाऊ बड़ो अटक कोई कोनी बिने गिरफ्तार करनो ही पड़सी। दो दिन सांस लेस के लेकिन तीसरे दिन भी गिरफ्तार करना पड़सी क्योंकि आपा संगठित था और आपा जवाब देबा में भी सक्षम हाँ। आज जत्ता भी युवा जो सोसू आया हो वो हमेशा आप पिता तुल्य बुजुर्गों के साथ अपन खड़े रहना है क्योंकि मैं पहली बार आ देख रही हूँ बादल साहब और पहाड़ साहब मैं पहली बार आ देख रही हूँ कि कोई भी आंदोलन में सब ज्यादा बुजुर्ग जगह अपना पिता तुल्य है बे अडबाड़ मेयर की तरह पर आप आशीर्वाद दे बनाया है तो मैं मन सौभाग्यशाली मानू कि आज इतना बुजुर्गों मैंने जबकि कोई सा भी आंदोलन में मैं लोग जावा तो बिगमाय ने सिर्फ और सिर्फ युवा ही ला दे बुजुर्ग को ला दे तो हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। और बादल साह और आप जता भी अड़ जनप्रतिनिधि हो जता भी आप संघर्ष कर रहे हो आपके लिए भी सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने बुजुर्गों को आशीर्वाद मिल रही हूँ बड़ी चीज़ आपके लिए ताकत कुछ ही कौन उसके और इस ताकत ने आप दूनी ताकत बना और कोई भी समाज को वो 36 कौम को वो कोई भी पीड़ित हुए भी के लिए आप सब पहले खड़े रहे हो हमारी आप निवेदन है। अब एक छोटी सी निवेदन और है क्योंकि आप सबला वापिस एक जगह मिला ला को नहीं मैं आऊँगा और जब भी आप याद करो तो मैं आऊँगा मन कोई विशेष निवेदन की या विशेष निमंत्रण की आवश्यकता को नहीं मन तो कोई भी एक भाई फोन कर दीजिए। एक भाई शायद फोन भी कर रहा है नाम तो मैं भूल रहा हूँ आप थोड़ी करना हाँ नवल सिंह जी कर रहे हैं तो बे घटना कोई भी बतायो बादल सिंह जी भी बतायो और फिर पहाड़ साहब भी सभी लोग बताया तो आप लोग 30 तारीख को राख रहा तो 30 तारीख को 23 सितंबर ने लेर जोधपुर में मीटिंग रखेड़ी है सभी भाई लोगों ने बुलाया है कि भाई अपन 23 सितंबर जोधपुर में कई तरीका बात रखनी है कई तरीका प्रोग्राम करना है भी के लिए वो 30 कल की जगह तारीख ही बा ही को नहीं वास्ते माँ आप निवेदन करो तो आप लोगों को धन्यवाद है कि आज आप लोग राख लिया और मैं आज आपके बीच में हूँ। मैं तो आपने स्पष्ट शब्द में एक ही कहूँ कि न तो मैं कोई पार्टी में जुड़े हूँ न कोई सामाजिक संगठन में जुड़े हूँ मन तो कोई भी खटे भी याद कर सीर नहीं भी याद कर सीर मन या लाग सी ने कब आज मन बड़े जरूरत है तो मैं बिना पूछे ही बड़जार खड़े रह जी हूँ। पिछला टाइम जोधपुर में आयडा हा बड़े सुतारा का बच्चा के सागे एक्सीडेंट हो गयो वो आपने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के काफी लाऊं एक्सीडेंट हो तो बड़ा आप आ थोड़े देखा कि साहब केंद्र में बैठा है बहुत बड़ा है बहुत बड़ा नेता है बहुत बड़ा पिछड़ा है तो आप आगे लगे खड़िया कनवा लेकिन मजो भी कहीं आवे जगह बहुत बड़ो हुए भी के सामने खड़े हो रे बा मजो आवे गरीब ने तो हर कोई घोड़ी बना ले बैठे भी पे नेताजी ने तुरंत प्रभाव बाने मुआवजो देना पड़ो चेक देना पड़ो और बाहू परिवार ने पूरा ने संतुष्ट हुआ और भी के बाद में मैं लोग रूठ गया तो वो तो अपने परिवार को मामलो है। आपा आज पुरजोर तरीका हूँ जत्ता भी अटे बुजुर्ग और युवा है सबके सानिध्य में आपा चालां ला
और ज्ञापन दे वाला या जो भी आपकी ज्ञापन की जो व्यवस्था है बिग मायने आप बात करा, और अगर वे संतुष्ट नहीं कर सके तो आप अठाई बैठ आगे की रणनीति तय करा ला, न कि आप फोन पर और व्हाट्सएप पर करा ला। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रख लें। ठीक है, साथ साथ है अरे कई लोग भाई आप भी केवल आगे आपको स्वार्थ कर रहे हो, स्वार्थ को नहीं, वो सबको ही काम है। 23 सितंबर को आपने न्यूतो भी दे रहे हूँ कि 23 सितंबर का आप जोधपुर पधार जाओ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के मायने, ताकि एजगियान की छोटी मोटी घटना हुए ए करवा की जरूरत कोई समझे को नहीं, और ना कोई की औकात हुए कि आपने कोई हाथ गाल ले। बाकी मैं आपके सदैव सग रहती हूँ और साथ हूँ, मन धन्यवाद की या कह की जरूरत को नहीं, आप तो मन याद कर लीजिए और मन अगर ध्यान आ गया तो मैं अपना आप आ जैसी हूँ। जय श्री आनंद, जय माता जी। जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने अपन करेंगे संक्षिप्त में। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, ज्ञापन की प्रक्रिया ऐसे रखिए, इस माहौल पर से अपन करेंगे स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद सबको से अपने लाइव में होते वापस आ जाए, ये आपसे करना निवेदन है। आप सभी व्यवस्था बना रखे अनुशासन से अपन ज्ञापन करेंगे, और प्रतिनिधि मंडल जो अंदर हुए वार्तालाप होगी जिला कलेक्टर महोदय से एसपी साहब से, वो वापस उसी जगह पर सबको आना है और यहाँ पर अपनी बात रखेंगे कि ये बात अपने समक्ष हुई।